पलवल के पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह, पलवल से कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल व बसपा विधायक टेकचंद शर्मा शामिल हुए। और मीटिंग के पटल पर अलग अलग विभागों की 13 शिकायतों को रखा गया, जिनमें से आधी शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, बाकी आधा दर्जन शिकायतें लंबित रहीं। इस मौके पर पलवल के कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने जिला प्रशासन पर यमुना रेती की अवैध माइनिंग को लेकर सवाल उठाए और सरकारी राजस्व को चूना लगाने के आरोप लगाए और मामले में लिप्त लोगों व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की। पलवल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कमेटी के अध्यक्ष और हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने पलवल से कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने पलवल में हो रही यमुना की रेती की अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिला प्रशासन की मिली भगत से सरकारी पर्चियां काट कर माफिया सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं और जिला प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री राव नरवीर सिंह को हरियाणा सरकार की बाकायदा ऑफिशियल यमुना की अवैध रेती की खुदाई की है। पर्चियों को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में दिखाया गया, जिससे लाखों रुपए की यमुना नदी से रेती चोरी हो रही है। इस धंधे में पलवल जिला प्रशासन और सरकार के लोग भी शामिल हैं, जिससे सरकार के खजाने को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। माफियों की इतनी हिमाकत है कि हरियाणा सरकार की पर्ची इशू करते हुए हाथों में बंदूक लेकर जबरन यमुना में रेती की खुदाई करवाई जाती है और पलवल पुलिस की अगुवाई में रेती के वाहनों को निकाला जाता है। गरीब आदमी को रेती नसीब नहीं है और अमीर माफिया बिल्डरों से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इस धंधे में शामिल लोगों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की मांग की गई है और मंत्री जी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और मंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यदि इस अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो चंडीगढ़ में जाकर मां महिम को इस धंधे के बारे में बताया जाएगा। भाजपा के लोग कितनी हिमाकत के साथ इस तरह के काम कर रहे हैं और रेती की चोरी का धंधा खुद सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। ग्रीवेंस कमेटी में इस हरियाणा सरकार को बेनकाब करते हुए मैंने ये हरियाणा सरकार की बाकायदा ऑफिशियल यमुना की इलीगल खुदाई की पर्चियों को यहाँ दिखाया, जो लाखों रुपए की यहाँ यमुना से चोरी जो रेती हो रही है उसमें जिला प्रशासन मिला हुआ है, सरकार के लोग मिले हुए हैं, सरकार के खजाने को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है और इतनी हिमाकत की हरियाणा सरकार की पर्ची इशू करके बंदूकों को लैस हो करके गुंडे बदमाश जबरन वहाँ खुदाई करवाते हैं और रास्ते में पुलिस अगुवाई करके उन्हें यहाँ से निकालती है। गरीब आदमियों को रेता मिलता नहीं और ये ना जाने कहाँ कहाँ बिल्डर्स से लाखों करोड़ों रुपए ये कमा रहे हैं। तो मैंने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है जिला प्रशासन और उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ना जिले के अंदर बिजली पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि बिजली आश्वासन दिया इसको मंत्री जी ने बाकायदा संज्ञान लेते हुए कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ वरना तो फिर चंडीगढ़ महामहिम गवर्नर को भी हम ये जा करके दिखाएंगे कि कितनी हिमाकत भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार करने लगी हुई है, जो रेती की चोरी का धंधा खुद सरकार के संरक्षण में हो रहा है।